अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूपल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज्यादा है उतने ही ज्यादा अंगारे उसके पास है। कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहां भक्ति है परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभे दे आशीष विलसी और लातों छड़ी या सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी हम दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूँ, बीड़ी बैड़ी कभी नहीं पी, लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट ला के टोर दिखाया करते थे, मांस खाते थे और सौ तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे, ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो विष्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला उसका तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते, एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम 20-30 रुपए डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टिमेट लगाओ तो 1-2-1,000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं, एक महीने में 10,000 पी जाए, 15,000 का नाश कर दे। तो वो ऐसे जो हम लोग दिखावा और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी, थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी, अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उनका जानकार था, उसने फटाफट उसने अपने देखा जल्दी, भाई इतनी पीड़ा है तो कोई, उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी, पीड़ा जो की तो बनी रही, जब एंटी वो पेन किलर बंद करी तो फिर जो की तो पीड़ा, फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, उसने क्या देखा कि इसके इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी उसकी किया, वो फिर पीड़ा जो की थी बनी रही, फिर देखा कि फिर लास्ट में पता चला कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहां से चला था लाखों रुपये लागे, ब्रान मट्टी नौकी नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची और 2-3 महीने तक ऐसे ब्रान मट्टी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे पुण्यात्मा, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं, पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटकर मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि तभी इस मार्ग को, परमात्मा के मार्ग को, उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है, कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको, ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है, तो वो सर्व सुखदायी परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला है सर्व सुखदायी, अब ये सुख ही सुख देगा, यहां दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है,
वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्भी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले गर्मी के दिनों में एसी लग गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा, यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम उस स्थान को भूल गए जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, और हम सभी पहले वही रहते थे। अब कई भक्त अज्ञानतावश भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ये प्रश्न किया करते कि एक बात बता, जब सारे ही यहां से चले गए तो यहां कौन रहेगा बता। वो नैया ही चिंता हो रही है कि यहां कौन रहेगा बता। अरे यहां यू तो एक पत्थर है, घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखा है पृथ्वी का, ये मंगल ग्रह जो चांद और ये सारे धक्के खाने लग रही है, फिरें जागा, हम अपने सतलोक में चलेंगे, इसकी हमने क्या करना, ये तो जिसका हुआ आप संभालेगा इसने। तो कहने का भाव ये है कि हम इतने रंग गए यहाँ पर, जैसे एक भक्त बोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, बहुत समस्या में थी, हर तरह से तकलीफ थी, परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भक्त, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, झोटा बनेगा। वो झोटा बुग्गी ले रहा था, उससे कहा भाई फिर झोटा बनेगा तू तो नहीं। बोला महाराज जी झोटा भी तो बनना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा। इसने बुग्गी की चिंता हो रही। मैं कहा अच्छा भाई, तो बुग्गी खातिर कर ले काम। फिर उसे उपदेश ले लिया उसने, लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहाँ ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए, तो ये कितना इम्पोर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें हजार लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिले, एक जन्म की तो बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी, उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आके हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है हम इसके बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है, किसी की टांग कट गई, किसी की आँख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर गधे कुत्ते बनकर बिस्टा खा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है। तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं। यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के, हमारे वो भी बच्चे परमात्मा के वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लग गए। भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो वो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। फिर पता चला कि ये तो भाई गलत कर रहे हैं सारा काम, ये तो आसपास भी नहीं सदग्रंथों के, एक दो तीन चार दस सैकड़ों की संख्या में इन संतों को के इतिहास को, इनके ज्ञान को,
दास ने पढ़कर देखा, शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जावे। फिर जो चले गए यहां से महापुरुष, जिनका बड़ा बोलबाला था, मैं रसिदानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास, और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से, इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद पढ़ा। पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, इस ये सोच कर रख देते थे इसको, ऐसे इन पुराणों को रख देते थे, भाई ये तो भगवान की माया है, हम कैसे समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो आंखियां बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा, उस उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की, तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है, और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं, और हो परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए, तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घड़ी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो महर्षि दानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया, एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदग्रंथों से, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि ये ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ ओरिजिनल नोट है, और ये डुप्लीकेट नोट है इन संतों के, जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया तो जो दशा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए, उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई, ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते जिनके 5-7 हजार रुपये होते, रुए ठग नकली कागजों में लग जाते। तो पुण्यात्माओं, दास का यही प्रयत्न समझ लेना, ये पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। ठीक है, दास को बहुत कठिनाइयां आई हैं, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींच कर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खाचे में कीचड़ में डाल रखी थी, और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहाँ तक ये संदेश भगवान का पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया है, और आपका भी फर्ज बनता है। ये सच्चाई है और सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को, और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है, कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ, तो उनको अच्छी तरह समझ कर फिर आप लगो, और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा, आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा के, जोर जबरदस्ती ना करना, सत कल युग में जब आप ले जाओ, अपना ज्ञान देना,
आपका ज्ञान ग्रहण करें वो आपके हो जा और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जा, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा कर कितने ले जाना, अपनात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, पहले अगर वैसे भी ले जा तो वहां टके नहीं है, फिर आऊंगे वापस, पहले वही ना रहा करते, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए, अरब वो क्या कहते हैं नहर के किनारे लौट के शांति प्राप्त करते हैं, उन कोठिया ने उन सारे इंस्ट्रूमेंट ने छोड़ गए, तो ये पहले ना हमारे अंदर रहेंगे, क्यों शर्म दर्द कराया वो बीमारी कट्ठी करी। तो ऐसी ये शांति होनी वही है, ये तो एक तूफान उफान है इस काल का डाला हुआ, ये बना ले ये बना ले रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा, टट्टू सुख होगा, सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों से बचाव होगा उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं, तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। और अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना, जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो तीन प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनो सदृश है परमात्मा, नर नारायण देह है, ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य परमात्मा की शक्ति उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है, एक आत्मा एक परमात्मा, तो अपने आप दो हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा एक आत्मा, सिंपल। तो ऐसे एक राजा एक मनुष्य एक नागरिक है एक राजा है, सकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर, वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। तो उन्होंने उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, फिर तुम वहां चलो, तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो तीन प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में तीन प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है वह, जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है स्थाई रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो, और तकत पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाती है, प्रत्येक युग में ऐसी लीला, और फिर वो कवारी गायों का दूध पीता है, कवारी गाय दूध देती है परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है,
उन कवारी गांव में दूध कहाँ से आता? सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी सतीथी हुई शरीर की। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता? उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये दूसरी सतिथि। और तीसरी सतिथि में वो कैसे आते हैं शरीर में? जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं, और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा, और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे, जो उनको कह दिया दाता ने वो फाइनल उनके लिए, सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बाला वाली में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहेब जी, और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया, तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी भी शिष्य समाज सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जिसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती जब वो डिक्लेयर कर जाते, आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ, अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के, खबरदार देश नाम का जाप किया, मर्दाना ने किया था मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए, क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे, वो जान ही जान थे कि आग लग जाएगी, जय मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं।